मुजफ्फरगढ़ में सैलाब जदगान के लिए बनाए गए तुर्क कॉलोनी में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं। हल्की बारिश से तहफ्फुन में इजाफा होने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे काशिफ नजीर से। काशिफ बताएगा क्या हालत इजहार है वहाँ के मकीनों की। जी बिल्कुल, 2010 के सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए तुर्क हुकूमत के माली तआवुन से अरबों रुपए की मालियत से 1376 मकानात पर मुश्तमिल तुर्की कॉलोनी कायम की गई, लेकिन मकामी इंतजामिया के नाहली की वजह से मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। गुज़श्ता 3 माह से TMA का अमला न आने की वजह से कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके तआवुन की वजह से मकीन खतरनाक अमराज का शिकार हो रहे हैं। हमारी तुर्किश कॉलोनी के मकीनों से बात हुई तो उन्होंने वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और DCO से अपील करते हुए कहा कि हमें रहने के लिए घर दिए हैं तो अल्लाह के लिए हमारी हालत पर तस्क करें, साफ पानी और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएं। जी शुक्रिया काशिफ नजीर।